हेलो दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं आज एमपी स्पेशल के 7वें पार्ट की। इसमें देखते हैं सिंचाई एवं नदी घाटियां परियोजनाएं। ठीक है, आपको बता दें कि खजुराहो में तालाब का निर्माण चंदेल राजाओं ने सर्वप्रथम करवाया था। और पगारा बांध जो ग्वालियर रियासत में 1927 में इसका निर्माण हुआ था, पल पलक मत्ती सिंचाई तालाब भोपाल में 1933 में इसकी स्थापना हुई थी, निर्माण हुआ था। पुरम नाला का निर्माण हुआ बालाघाट में 1936 में। आपको यहाँ बता दें सर्वाधिक सिंचित जिले दतिया है, शिवपुर, मुरैना, ग्वालियर। ठीक है, और न्यूनतम सिंचित जिले हैं डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर। ठीक है, सर्वाधिक नहर से सिंचित होने वाले क्षेत्र हैं उत्तरी मध्य प्रदेश, और सर्वाधिक कुआं से सिंचित होने वाले क्षेत्र हैं मध्य और दक्षिण मध्य प्रदेश, और सर्वाधिक तालाब से सिंचित होने वाले क्षेत्र हैं पूर्वी मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं हम सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चंबल घाटी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश चंबल घाटी से होते हैं। ये ग्वालियर, मुरैना, दतिया इससे सिंचित होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र से टीकमगढ़ है। नर्मदा घाटी क्षेत्र से होशंगाबाद। आपको बता दें मध्य प्रदेश में नदी बेसिनों की बेसिन है 81.5 अरब घन मीटर। शुद्ध भूमिगत जल है 35.03 अरब घन मीटर। ठीक है, आपको बता दें शुद्ध भूमिगत जल सबसे ज्यादा होशंगाबाद में है और सबसे कम है बुरहानपुर। आपको बता दें शुद्ध सतही जल 56.80 अरब घन मीटर है मध्य प्रदेश में। चलिए आप देख लेते हैं, अब अर्जित सिंचाई सबसे ज्यादा होती है बुरहानपुर में, सबसे कम होती है बुरहानपुर में, सॉरी सबसे ज्यादा अर्जित सिंचाई होती है होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा कुओं से सिंचाई होती है, और सबसे ज्यादा विद्युत पंप सेट है मालवा और निवाड़ क्षेत्र में। भूमिगत जल का परसेंट प्रतिशत के मामले में सबसे कम है मंडला में और सबसे ज्यादा है रतलाम में, और भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन होता है इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम। इन जिलों को इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम को काला जिला बोला जाता है। ठीक है, आपको बता दें डीजल पंप सबसे ज्यादा यूज होते हैं चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र में। एमपी में सर्वाधिक क्षेत्र सिंचाई होती है तावा परियोजना से। एमपी की सबसे ज्यादा सिंचाई होती है तावा परियोजना से। तालाबों से सबसे ज्यादा होती है बालाघाट एवं सिवनी में, और नल कूपों से होती है मालवा क्षेत्र में। कुओं से होती है सबसे ज्यादा पश्चिमी मध्य प्रदेश में, और आपको बता दें सबसे ज्यादा पवन चक्कियों से चक्की से सिंचाई होती है इंदौर में। यहाँ नहरों की बात कर लें तो नहरें हैं चंबल घाटी, बालाघाट, बुंदेलखंड। नहरों से सिंचाई होती है चंबल घाटी में और बालाघाट में और बुंदेलखंड में। आपको बता दें नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण 1980 में बना, जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश में 1956 में बना, और एमपी सिंचाई उद्वहन निगम बना 1976 में। ठीक है, चलिए अब विवाद देख लेते हैं, कुछ विवाद से संबंधित समितियां। घोसला कमेटी बनी 1964 में, और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में बना। सिफुद्दीन सोज समिति बनी 2006 में, केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई थी, और सुंगलू समिति बनी, विस्थापन की समस्या हेतु बनी थी सुंगलू समिति। चलिए मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं देख लेते हैं प्रमुख। पहली हमारी चंबल घाटी परियोजना, आपको बता दें एमपी की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। ये 1953 से 54 में इसकी स्थापना हुई थी, निर्माण हुआ था। आपको बता दें एमपी राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। इस पर चंबल घाटी पर गांधी सागर बांध मंदसौर में है,
राड़ा, सागर बांध, चित्तौड़गढ़, रावट भाटा में, जवाहर सागर बांध है इस पर, कोटा बैराज है इस चंबल घाटी परियोजना पर, ठीक है। और इससे लाभ, चंबल घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले एमपी के जिले हैं श्योपुर, भिंड, मुरैना, मंदसौर, ग्वालियर। अगली हमारी नर्मदा घाटी परियोजना, ये एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 23 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिलान्यास किया था इसका। इस पर घाटी पर 29 बेहद, 135 मध्यम, 3000 लघु परियोजनाएं हैं। इंदिरा गांधी नर्मदा घाटी पर इंदिरा गांधी बांध है, पुनासा खंडवा में, सरदारपुर सरोवर है, महेश्वर है, ओकारेश्वर बांध है, ठीक है। आपको बता दें, इंदिरा गांधी बांध और ओकारेश्वर बांध के कारण पुनासा खंडवा, नौगांव गुजरात, और घोंसला गांव, इससे घोंसला गांव खंडवा, खरदना गांव हरदा, ये डूब गए थे। ये दोनों बांध बनने से ये दोनों गांव डूब गए थे। इसलिए 26 जुलाई से 13 सितंबर 2012 तक देश का पहला जल सत्याग्रह चला, इस एक गांव डूबने के कारण, ठीक है। और जो हमारी नर्मदा घाटी परियोजना है, इससे 2.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है, और इस पे विद्युत है जो 3000 मेगावाट बनती, और इससे नर्मदा से कुल सिंचित क्षेत्र है 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती है, ठीक। अगली हमारी बाढ़ बाढ़ सागर परियोजना, ये एमपी, यूपी, बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये सोन नदी पर बनी हुई है, और इसका उद्घाटन हुआ था ये 1979 में देवलोद शहडोल में, ठीक है। इसमें विद्युत क्षमता है 435 मेगावाट, और ये एमपी में 2,46,689 हेक्टेयर सिंचाई करती है, और इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं रीवा, सीधी। अगली हमारी राजघाट परियोजना, जिसे माता टीला या लक्ष्मीबाई परियोजना भी बोला जाता है, ये एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये 1972 में बेतवा नदी पर स्थापित हुई थी। आपको बता दें, एमपी के 6 जिले इससे लाभान्वित होते हैं, और यूपी के 4 जिले, 1.16 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है एमपी की, और यूपी की होती है 1.9 लाख हेक्टेयर। अगली हमारी मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना, ये हरदा, खंडवा, होशंगाबाद में प्रस्तावित है। ये मुरंड नदी पर स्थित है, मूरघाट, मालवा, सिवनी में। गंजाल नदी जरवदा, रहट गांव, हरदा में प्रस्तावित है। एमपी की पहली अंतरघाटी परियोजना है चौरल नदी। केन बेतवा लिंक परियोजना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। आपको बता दें, 25 अगस्त 2005 को मंजूरी मिली थी इसे, और इससे 4.90 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई होगी, और 72 मेगावाट पनबिजली बनेगी, और इसका कैचमेंट एरिया है 28,058 वर्ग किलोमीटर। इसमें एमपी में 24,472 वर्ग किलोमीटर, और यूपी में शेष जो बचे हुए हैं। अगली हमारी नर्मदा छिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना, इसे नवंबर 2012 से शुरू हुई थी। अगला देखते हैं हम, जल अभिषेक अभियान चला 2 अप्रैल 2006 से, और जल आवर्धन योजना धार दिलवारा क्षेत्र में चली थी। नर्मदा जल योजना है होशंगाबाद प्रिया में, केंद्र सरकार के सहयोग से ये योजना बनी। अगली हम देखते हैं बरगी परियोजना, जिसे रानी अवंतीबाई सागर परियोजना भी बोला जाता है। ये नर्मदा नदी पर है, 1971 में इसका उद्घाटन हुआ था। इसके 1.50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है, और इससे लाभान्वित जिले हैं जबलपुर, मंडला, सिवनी। अगली हमारी बरगी अपवर्तन, ये नर्मदा बरगी नगर में पर स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना, और 1.45 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होती है। अगली हम देखते हैं जोबट चंद्रशेखर आजाद परियोजना, ये हथनी नदी पर स्थित है अलीराजपुर में। इससे 9,848 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। अगली है हमारी अपर बेदा,
ये बेदा नदी पर स्थित है खरगोन जिला में, इससे सिंचित होता है 523 वर्ग किलोमीटर सिंचित होता है, सिंचाई होती है। अगली हमारी सीता रेखा नदी पर स्थित है, छिदवाड़ा धार से लाभान्वित होते हैं, 15 मेगावाट विद्युत बनती है इस पर। अगली हमारी तवा परियोजना, तवा नदी पर स्थित है होशंगाबाद में, इससे 3.33 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है, सिंचाई होती है, 20,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन होता है। अगली हमारी हलाली परियोजना, इसे सम्राट अशोक सागर भी बोला जाता है, ये हलाली नदी पर स्थित है, विदिशा रायसेन जिले लाभान्वित होते हैं, इससे 1973 से 76 में बनी थी, इससे 2.47 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई होती है इससे। अगली हमारी पेंच परियोजना, ये पेंच नदी पर स्थित है, बालाघाट छिंदवाड़ा से इसमें सिंचाई होती है। आपको बता दें एमपी यू महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है, एमपी में छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र में नागपुर में 63,338 हेक्टेयर जमीन सिंचित होता है पेंच परियोजना से। अगली हमारी बाघ परियोजना, ये बाघ नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों संयुक्त योजना है, इस पर बांध बना हुआ है सिरमौर गांव में और सिंचाई क्षेत्र होती है महाराष्ट्र में, ठीक है। अगली हमारी 52 थड़ी योजना परियोजना, इसे राजीव सागर भी बोला जाता है, ये 52 थड़ी नदी पर स्थित है, 1978 में निर्मित हुआ था इसका निर्माण, और एमपी बालाघाट सिंचित होता है, जिला 18,615 हेक्टेयर जमीन यहाँ सिंचित होती है, और महाराष्ट्र जो भंडारा जिला इसमें इसका क्षेत्र होता है 17,357 हेक्टेयर इसका सिंचाई क्षेत्र इससे होता है। अगली हमारी काली सागर बांध, बाघ नदी पे बनी हुई है, इससे एमपी और महाराष्ट्र लाभान्वित होते हैं। अगली हमारी कैन बहुउद्देशीय गेटर गंगऊ योजना परियोजना, ये कैन नदी पर बनी हुई है, एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है, छतरपुर और पन्ना इससे लाभान्वित होते हैं इस कैन बहुउद्देशीय परियोजना से। अगली हमारी अपर नर्मदा, ये नर्मदा नदी पर बनी हुई है डिंडोरी में, इससे 18,616 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है। अगली हमारी लोअर गोई परियोजना, ये गोई नदी पर बनी हुई है बड़वानी में, इससे 13,760 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है, मतलब सिंचाई होती है। अगली हमारी हलोन, ये हलोन नदी पर बनी हुई है मंडला में, इससे 11,736 हेक्टेयर जमीन सिंचाई होती है, जमीन की सिंचाई होती है। अगली हमारी पुनासा परियोजना, ये इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर बनी हुई है खंडवा में, इससे 35,008 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। अगली हमारी मान परियोजना, ये मान नदी पर बनी हुई मनावर धार में स्थित है, 2006 में इसका निर्माण हुआ था, इससे 15,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। अगली हमारी उर्मिल परियोजना, ये उर्मिल नदी पर स्थित है छतरपुर जिले में, एमपी यूपी का अनुपात है इसमें 60:40 60 एमपी का और यूपी का 40। अगली हमारी सिंहपुर बैराज, ये उर्मिल नदी पर है छतरपुर जिले में। अगली हमारी बरना, ये बरना नदी पर है रायसेन सीओर, इससे लाभान्वित होते हैं इस परियोजना से, इससे 60,290 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। अगली हमारी भांडेर नहर, ये बेतनवा नदी पर स्थित है दतिया ग्वालियर भिंड, इससे लाभान्वित होते हैं, इससे 44,535 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है। अगली हमारी अपर बैनगंगा, ये बैनगंगा नदी पर स्थित है बालाघाट सिवनी, इससे लाभान्वित होते हैं, 1972 में इसका निर्माण हुआ था, इससे 1,03,722 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है, इसे संजय सरोवर भी बोला जाता है, ठीक। अगली हमारी थावर परियोजना, ये थावर नदी पर स्थित है मंडला में, 1977 में इसका निर्माण हुआ था, उससे 18,212 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। अगली हमारी कोलार परियोजना, एक कोलार उर्मिल बांध है, यूपी नहर निर्माण करवाया एमपी ने, और इससे सेवर में होती है 45,000
87 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई, और भोपाल में इससे पेयजल सुविधा भी उपलब्ध होती है कोलार परियोजना से। अंगली हमारी माही परियोजना, ये माही नदी पर स्थित है, धार और झाबुआ इससे लाभान्वित होती है। इससे 18,517 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। माही परियोजना में 2 बांध हैं और 2 नहर हैं निकली हुई। अगली हमारी सुक्ता परियोजना, एक सुक्ता नदी पर स्थित है खंडवा में, इससे 18,583 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। अगली हमारी सिंध परियोजना, ये सिंध नदी पर स्थित है, शिवपुरी और ग्वालियर से लाभान्वित होते हैं। इससे 35,200 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होती है। अगली हमारी रनगवा परियोजना, एक कैन की सहायक नदी पर स्थित है छतरपुर में, इससे 16,190 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होती है। ये एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है। अगली हमारी चोरल नदी, ये चोरल नदी पर स्थित है महू इंदौर, इससे लाभान्वित होते हैं। 1978 में इसका निर्माण हुआ था और इससे 500 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है। अगली हमारी देजला देवड़ा, एक कुंदा नदी पर स्थित है खरवन में, इससे 9,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होती है। प्रमुख नहरें व क्षेत्र देख लेते हैं। अगली हमारी बैनगंगा, बैनगंगा नदी पर स्थित है जी बालाघाट भंडारा महाराष्ट्र में, इस क्षेत्र से सिंचाई होती है। चंबल नहर, ये चंबल नदी पर स्थित है भिंड मुरैना शिवपुर ग्वालियर मंदसौर नीमच, इससे लाभान्वित होते हैं। अगली हमारी हलाली नहर, ये बेतवा पे विदिशा और रायसेन इससे लाभान्वित होती है। बरना नहर है जो बरना नदी पर स्थित है होशंगाबाद रायसेन सीहोर इससे लाभान्वित होती है। तावा नहर है जो होशंगाबाद इससे लाभान्वित होता है। राजघाट बाई तट की नहर से होता है शिवपुरी गुना।